जॉनथन एकेएम का इस्तेमाल करते हुए नजर जरूर आएंगे। ग्रेनेड डेफिनेटली डालना चाहते हैं, ट्रिगर का एक्जैक्ट लोकेशन पता हो या ना हो वो एक गलत बात रहेगी, लेकिन ट्रिगर की साइड से भी एक थ्रोएबल आएगा। बट वहीं पर जॉनी का थ्रोएबल पीछे की तरफ को जाता हुआ, जॉनथन अभी भी सर्वाइव करें, जी गॉड भी आगे मुंह खर्च के ट्रिगर के लिए हो सकती है मुश्किल है, उसका लोकेशन एक्जैक्टली स्पॉटेड नहीं है, बट जॉनथन की साइड से डैमेज दिया जा रहा है, इनफैक्ट डाउन करने की पूरी कोशिश है, एंड जी गॉड द परफेक्ट सपोर्ट कम्स इन हैंडी, नियो करते आएंगे फिनिश। यहां पे काफी अच्छा गैंग किया जॉनथन, आगे गए जाकर उन्होंने रेड के ट्रिगर को पलटा करके मजबूत किया, उसी देर के अंदर जी गॉड को देखा कैसे गाड़ी लेकर वो इनिशिएट करने गए थे, बट एक एओपी काफी वियर्ड डिसीजन यहां पे, #15 पे एलिमिनेट होगी टीम ऑरंगुटान गेमिंग, उन्हें के लिए बिल्कुल करीब बैठा है गॉड लाइक ए शैडो, ग्लोबल स्पोर्ट के नकुल को डैमेज देते नजर आएंगे, इनफैक्ट डाउन किया मान्या, दिस टीम वाज स्टॉपिंग अप द टेबल, लेकिन अब ये एक खिलाड़ी के साथ बची और शायद ज्यादा बची भी ना रहे, गॉब्लिन का एक ग्रेनेड जाएगा नकुल को फिनिश करता हुआ, लेकिन वो फिनिश शैडो को मिल नहीं चुका है, उनको उनका फिनिश मिल चुका है, मान्या इज स्टिल आउट देयर, अगला ग्रेनेड दूसरी डायरेक्शन में जाता है, मान्या को कोई मूवमेंट नहीं करने का, मूवमेंट करी शायद उनके लिए खराबी हो सकती है, लेकिन वो जो गाड़ी है वो भी वहां पर ब्लास्टेड हो चुकी है, मतलब मान्या को यहीं पर सर्वाइव करना पड़ेगा, लेकिन उनको स्पॉट किया जाएगा, इनफैक्ट फिनिश किया जाएगा सोल, ग्लोबल स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करती है, बट गॉड लाइक एक्सो के साथ एक फाइट, काफी अच्छी फाइट चल रही है यहां पे, निग्मा गैलेक्सी भी यहां पर एफएस जो बिल्कुल ओपन में होल्ड करके बैठे हुए थे, वहां पे होल्डर करके बैठे गए, ये फाइट थी जहां पर सब कुछ बदल गया था, माने होल्ड करके बैठे थे, बाकी का कवर ले रहे थे, बट ओमेगा का रन 420 कैसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने टीममेट पे एक नई जान भरी थी, बट गॉड लाइक के खिलाड़ी 8 बिट को खत्म करते नजर आएंगे, और 420 को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है, उनके थ्रोएबल सभी भी सामने ही जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वहां पर है कोई ना कोई, बट गॉड लाइक इज ऑन अ रोल ऑलरेडी, 8 फिनिशिंग निकाले किस टीम ने, चारों प्लेयर जिंदा है, जोन की अगर बात करेंगे जोन से बाहर नहीं है, बट वो एक कैसे करें कॉर्नर पकड़ के बैठे और जब उस सर्कल के अंदर प्रॉब्लम होगी, बट अभी देखिए नियो यहां पे ओवेस को नॉक कर चुके हैं और 420 को भी परेशानियों में लाते हुए, एक आधा प्लेयर और यहां पर खत्म हो जाएगी टीम एनिग्मा फॉरएवर, अब मैक्स का है तो ब्लू जोन का डैमेज शेयर करेंगे, 21 मिनट गेम के अंदर हो चुका है तो ब्लू जोन आसान नहीं दिखने वाला, प्रोन शॉट कुछ भी कर लीजिए, आज गॉर्डल हार नहीं मारेगी, अभी बोला था मैंने 8 फिनिशेस, अभी के लिए 13 फिनिशेस गॉर्डल के खेमे में, बट स्काईलाइट यहां पर गॉडलाइक का वो रथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नियो को किया जाएगा फिनिश, तो फिनिश सोमराज के पास आ चुके हैं, जी गॉड बिल्कुल पीछे की तरफ, शैडो जॉनथन वो भी सर्वाइव करे, एक ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज में सोमराज को डाउन किया करने की कोशिश की, लेकिन पुकार गए यहां पर डाउन हो चुके हैं, कम नंबर सोमराज की एचपी बहुत ज्यादा कम और वो सर्कल के पीछे भी है, ये गॉडलाइक अब बहुत ज्यादा गुस्से में है, इनका एक टीममेट खत्म हुआ है, इनको पता है कि क्या करना है, इनको इनका असाइनमेंट बिल्कुल सामने दिख रहा है, एक तरफ चिकन डिनर दूसरी तरफ स्काईलक्स के खिलाड़ी बिल्कुल पीछे, हालांकि अभी भी 7 टीमें हैं बट सर्कल के अंदर टीम सोल टीम ब्लाइंड ये अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, अब यहां पे ओआर के पास अच्छा खासा मौका, अगर ये जाकर ब्लाइंड को कर दे सेपरेशन उठा सकती, अभी उनके पास मात्र 3 फिनिशेस है, जी गॉड इज इन डेंजर, अक्षत का ग्रेनेड गॉब्लिन को लेकर गया, नो दिस शुड नॉट हैपन, दिस इज नॉट हैपनिंग इन द सिचुएशन, लेकिन वहीं पर गॉड लाइक अब एक खिलाड़ी बचा, जॉनथन को रिवाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा इस पूरी सिचुएशन में, थ्रोएबल का इस्तेमाल और किया था अक्षत, शायद थ्रोएबल मार सकते हैं, यस ही गॉट का ग्रेनेड, सो अक्षत को लेकर के जाता हुआ गॉब्लिन, ही इज डाउन एज वेल, इस समय ओमेगा को देखना पड़ेगा क्या किया जाए, हेक्टर को देखना पड़ेगा क्या किया जाए, थ्रोएबल बिल्कुल साइडलाइंस में आता, जी गॉट अभी भी सर्वाइव करें, उनके पास हील करने के लिए मात्र 2 बैंडेजेस रहने वाले, जी गॉट का फिनिश करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, ब्लाइंड के खिलाड़ी कोशिश कर रहे, बट जी गॉट इज मूविंग फॉरवर्ड, द सपोर्ट इज बिकमिंग द असॉल्टर राइट नाउ, दिस असॉल्टर गोस इज असाइनमेंट एज ही वांट्स टू जस्ट टेक एवरीवन डाउन, बट ओमेगा थ्रू द स्मोक जस्ट takes him out. दिक्कत है गॉडलाइक के, इतने बड़े रश को रोका गया है, रथ को रोका गया है, बहुत सारी फिनिशिंग निकाली, बट पोजीशन में कहीं ना कहीं वो पॉइंट चूक गया, अगर ये टॉप 3 के अंदर चले जाते एक अलग ही बात, एक अलग ही महफिल यहां पे रच जाती गॉर्डन, बट 4 टीमें 11 प्लेयर, ब्लाइंड के 4 प्लेयर जिंदा है, सोल के पास 3 प्लेयर जिंदा है, टीम इनसेन विद 2 प्लेयर एंड स्कारलाइट विद अ लोन सर्वाइवर, ओमेगा ने बहुत शातिर खेला, ओ सोल का लास्ट प्लेयर भी यहां पे रिवाइव हो चुका है, आपको पता है आपके सामने अगर दीवार है टीपीपी लेफ्ट राइट, आपको प्री फायर करना, उन्होंने स्मोक में प्री फायर करा और लकीली ही कनेक्टेड दो शॉट एंड ही एलिमिनेटेड जी गॉड फ्रॉम दिस मैच, गॉर्डन वाज ऑन अ रोल, बहुत जरूरी था उनको रोकना, अगर यहां पे नहीं रुकते देन सीधा वो चिकन डिनर पे रुकते, सोल के पास अब मोमेंटम है, उन्होंने एक अच्छी फाइट जीती है, उनके पास मैन एडवांटेज भी अच्छी खासी, असली जंग मुझे लगता है नाउ इट्स बिटवीन ब्लाइंड एंड सोल, इनसेन के खिलाड़ी लेकिन कुछ तो शायद बदलने की कोशिश कर सकते हैं, एक ग्रेनेड अक्षत का जाएगा, दिस टाइम द ग्रेनेड्स आर हिटिंग एट द राइट मार्कर्स एज अक्षत गेट्स दैट एलिमिनेशन, गॉब्लिन गेट्स दैट एलिमिनेशन, और यहीं पर टीम इनसेन का होता है सफाया, बचती है 3 टीमें जिसमें स्काईलाइट्स का है एक खिलाड़ी, बट सोल ने धावा बोल दिया है ब्लाइंड पर, सोल आज कोई गलती नहीं करना चाहती, आज सोल इतना सीरियस है उन 15 अंकों के लिए कि उनको पता है उनको सिर्फ आगे जाना है, 15 को छूना है, पकड़ना है, हक करना है और सीधा बोलना है कि ये कल छूट गया था, बट आज वो मूव कर रहे हैं, ओमेगा सर्कल के अंदर है, बाकी सोल के खिलाड़ी मूव कर रहे हैं, अक्षत भी आगे की तरफ को जा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इस गेम को खत्म करना चाहेंगे, हेक्टर moving from around the zone as well as he just wants to see everyone from the players of team blind and soul ke players jis tarike se move kiye mujhe lagta hai throwables bhi inke paas acche khase rehne chahiye abhi inhone bilkul bloodbath kar diya tha wahan pe it was a meat grinder situation for everyone to dher sari loot to collect kar li hogi pehle godel ko unhone game se bahar nikala fir insane ko haraya loot ki dikkat nahi hone wali but abhi ke liye somraj inke paas first aid tak nahi hai level 1 helmet ek hi unke bharose pe abhi bhi tike hue hain abhi unko jo point chahiye the 10 point third position ke wo mil chuke hain ab kya ye 10 12 ho sakte hain bahut bada sawal hai kyun jis speed se soul chal rahi hai agle kuch shadow ke andar kuch na kuch to alag dekhne ko mil sakta hai circle aa raha hai ब्लाइंड पर बिल्कुल नहीं है ब्लाइंड के खिलाड़ी को आगे की तरफ को मूव करना है स्काईलाइट्स के सोमराज को आगे की तरफ को मूव करना है टीम सोल दी सोल्जर्स दे वांट 15 पॉइंट्स दे वांट द ट्रॉफी एज वेल हालांकि उसकी बात 2 दिन बाद रहेगी बट उसके लिए जो रेस चल रही है उसमें अभी भी बैटन इनके हाथ में ही है धीरे धीरे ये लोग आगे की तरफ को अपना मूवमेंट देखेंगे जैडी उनकी एचपी थोड़ी सी कम है डेफिनेटली खुद को हील जरूर कर लेंगे लेकिन इस सबके बीच में जैडी शायद अगर राइट पर देख लें तो वहां एक फिनिश हो सकता है जो आपने बात करी थी कि सोमराज 12 अंक लेना चाहते हैं लेकिन सोमराज को एलिमिनेट कर लिया तो ब्लाइंड के लिए राइट हैंड साइड भी खाली हो जाएगा जो कि एक सही चीज रह सकती है वहीं पर अक्षत जंप्स ले रहे हैं सोमराज आगे
मूव करें, द सर्कल इज गोना क्लोज इन एंड दिस जोन माइट एज वेल जस्ट शोकेस समथिंग डिफरेंट टू द प्लेयर्स ऑफ टीम ब्लाइंड। अब यहां पर सोमराज का पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ कल भी देखा था सोल के चारों पे जिंदा थे, एक प्लेयर उनको बैक स्टैप करके आया और उनकी जो खुशी थी एक पल में छीन ली थी। अगर आज सोमराज ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करके देन सोल इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज हर बार इतने डोमिनेटिंग फैशन के अंदर वो फाइनल सर्कल तक आती है। बट यहां पे अक्षर ने स्पॉट किया सोमराज को, इंस्टेंटली उनकी कहानी उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ओमेगा के ऊपर आया डैमेज, ओमेगा समझ के ऊपर कमिट करने का कोई फायदा नहीं होगा, खुद को सेफ रखा जा रहा है। जेडी के पास 19 गोलियां, बैकपैक ना होना मतलब शायद आखिरी 19 गोलियां भी उनके लिए बन सकते, लेकिन पाइपलाइन के रेस कटन से पब्लिक द्वारा द गॉडलेन इज स्पीकिंग, ओमेगा स्पीकिंग एज वेल एंड दे आर रोरिंग राइट नाउ फॉर 15 पॉइंट्स एज ब्लाइंड दे माइट जस्ट बी इन अ होल वर्ल्ड ऑफ ट्रबल। गॉब्लिन आगे की तरफ को जंप एंड पंच करके जा रहे हैं, बिलिप को भी देख लिया जाता है, मतलब उसको फिनिश करेंगे और यहां पर लेकर के जाती है टीम स्टोल फाइनली आफ्टर 7 #2s दे गेट अ ब्रिलियंट विनर विद अ चिकन इन फॉर देमसेल्व्स। ओ माय गॉड, कल के दिन की बात करें उससे पहले की बात करें, ओशन ने जैसा बोला 7 बारी #2 के बाद फाइनली इन अ डोमिनेटिंग फैशन, क्योंकि सीना चौड़ा करके ये हम नहीं मानते माफी कही भाई, सोमराज को बाहर निकाला और जिस तरीके से एवरीथिंग स्टार्टेड इट वाज इनक्रेडिबल, इट वाज अ मास्टरपीस टू वॉच, कॉन्फिडेंट गेम पे दिख रहा है एंड आई कैन फील द एनर्जी ऑफ सोल्जर्स। Hashtag 1 out of 16 is where they are right now, they are number 1 in this game and the way they play definitely these soldiers